इस कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th में फेल हुए हैं और मुझे बहुत सारे बच्चे मेरे पास अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, तो मैंने एक ऐसा डिजाइन किया है जिसके हिसाब से पहले अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करोगे, ये सारे चैप्टर्स करोगे, मतलब जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इक्वेशंस है ना, फैक्टराइजेशन है, और अगर ये चार चैप्टर हम लोग अच्छे से करते हैं तो आप एक बात मान लो कि आपके अगर आपके मैथ्स बहुत से बहुत खराब है तो मेरे को 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है और 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। जो मुझे पता है कि अगर मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ अगर आप उसे फॉलो करते हो रेगुलरली तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। जो फिलहाल अभी रिसेंटली भी बच्चे फेल हुए हैं उनके लिए भी मैंने यही कराया और वो काफी अच्छा, लास्ट जितने ही बच्चे कमजोर हैं जो 40 में से 2 भी ला रहे हैं वो भी 40 में से 38 36 लाने स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक है, बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ और मैं सब में ये बात नहीं बोलूंगा, बस मैं ये पहले वीडियो में बोल रहा हूँ, उसके बाद बाकी सारे जो वीडियो आएंगे उसको आप बस फॉलो करते जाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन वन है, इसमें इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें पता है कि ये मिस फ्रैक्शन है, मिस फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहले ये दोनों क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा जो हमें दिखेगा 36 आंसर आया, तो 36 आंसर को क्या करना पड़ेगा, इससे हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा प्लस। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 37 बाई 4 इक्वल्स टू वाई, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3, और ये जो 3 के बाद जो आंसर आएगा वो ऊपर वाले से क्या होगा प्लस होगा, तो उसका आंसर होगा 4/3। ठीक है, अब हमें पता है कि सिंपल सी बात है कि कोई भी जो हमें फाइंड करनी होती है वैल्यू वो ऑलवेज क्या होती है कि हमें हरदम उसे पॉजिटिव रखना होता है, क्या रखना होता है पॉजिटिव, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमें पता है कि नंबर वाली टर्म एक तरफ और एक्स वाली टर्म एक तरफ या वाई वाली टर्म एक तरफ, तो सिंपल सी बात है कि 37 और 4, अब ये इधर माइनस में है, अगर आप देखोगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है हमें याद रखना है कि इक्वल्स टू कोई भी प्लस अगर माइनस पार करता है तो प्लस बन जाता है, प्लस पार करता है तो माइनस बन जाता है, मल्टीप्लाई पार करता है तो डिवाइड बन जाता है, डिवाइड पार करता है तो मल्टीप्लाई बन जाता है, समझ लो बच्चों। अब उसके बाद सिंपल है, जब तक इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक ये प्लस या माइनस हो सकता नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। और ये याद रखिए कि ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत कमजोर बच्चे हैं, ये उनके लिए जिनको मैथ्स नहीं आता, फ्रैक्शन नहीं आता, इंटीजर नहीं आता, उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दोनों का एलसीएम 12 है, तो इसमें क्या होगा कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, इसका एलसीएम कैसे निकलता है वो भी आप देख लीजिए, अगर वो 3 और 4 है तो पहले 2 से होगा, जब तक 2 से हो रहा है तब तक छोटी टर्म से हो रहा है तब तक हम बड़े से नहीं कर सकते, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, फिर ये 2 से होगा 1, फिर ये 3 से होगा और ये क्या होगा 1 और 1, तो क्या होगा 2 × 2 × 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12, कितना प्लस 12, तो सिंपल सी बात है 12 एलसीएम हमारा क्या आया, एलसीएम 12 आया, अब 12 आया तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ऊपर भी क्या आएगा 3, इसमें कितना करेंगे 4, तो ऊपर भी क्या आएगा 4, तो सिंपल सी बात है कि ऊपर वाला मल्टीप्लीकेशन क्या है 1 1 1 और नीचे क्या आएगा हमारे पास दोनों के नीचे आ जाएगा 12 और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास 16 और ये y बाय 1। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 127 बाय 12 और ये y 1। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ सीधी सी बात है y ऐसे क्योंकि एग्जामिनर ऐसे मांगता है y इक्वल्स टू 127 बाई 12 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आप ऊपर वाले की तरह लिखेंगे तो एग्जामिनर मार्क नहीं देगा, वो काट भी सकता है। ठीक है बच्चों।